हेलो हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए एप्पल जो कि क्यूब्स में कटे हुए हैं। इसको हम पानी में डाल के थोड़ा सा एक दो ड्रॉप्स नींबू डाल लेते हैं। फिर अब इसको ड्रेन करके एप्पल्स को साइड में रखिए। और इसके लिए थोड़े हमें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, मेल्टेड बटर ऑप्शनल है। ये बैटर मैं आपको बताऊंगी फर्दर। ये ब्रेड्स के स्लाइसेस हैं। और अब पैन में हम हीट कर लेते हैं बटर। जब ये बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एप्पल ड्रेन करे हुए। हमने डाला है बटर में एप्पल को, इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 स्पून्स ऑफ शुगर। ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो भी अवेलेबल शुगर हो घर पे वो यूज़ कर सकते हो। जैगरी भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड सम सिनेमन पाउडर ऑन इट। और हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और आप अच्छे से इसको आप रोस्ट कर लें। जब तक एप्पल पाई रोस्ट होए, एप्पल कंपोट बने, तब तक इस बैटर का मैं आपको बताती हूँ। इसमें 1/2 कप मिल्क है या फिर 250 ml मिल्क आप डाल सकते हो। एग्स डालो, सिनेमन पाउडर डालो, शुगर डालो, सॉल्ट डालो और अच्छे से इसको फेंट लो। और फिर इसमें ब्रेड्स हैं, ये क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स हैं। अब इसमें हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। लेट्स सी हमारा एप्पल कंपोट कैसा बना। ये बन गया है हमारा एप्पल कंपोट। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम यहाँ बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। पैन में बटर गरम कर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर डालिए। ओके, फिर इसमें हम डालेंगे हमारा ब्रेड को ऐसे रख के आप, मैं ऐसे ही डुबाती हूँ। आप किसी भी तरीके से इसको टोटली डुबो सकते हो। टोटली डुबो के, ज़्यादा नहीं डुबाना क्योंकि ये टूट भी सकता है। ऐसे डुबो के इसको आप पूरे तरीके से इसमें ऐसे कॉर्नफ्लेक्स लगवा दोगे। ऐसे जब कॉर्नफ्लेक्स पूरी तरीके से उसको लग जाए तो आप इसको वापस से इसको उठो के हम डालेंगे इसको बटर में। फिर इस टोस्ट को अच्छे से टोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बन गया है फ्रेंच टोस्ट। अब इसको हम गार्निश करेंगे एप्पल कंपोट के साथ। एप्पल कंपोट को अच्छे से गार्निश कीजिए इसके ऊपर। आप ऑप्शनल मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हो। यहाँ पर रेडी है हमारा फ्रेंच टोस्ट, एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू।